सरदार साहब, ये बताएं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें एक तासुर ये ज़रूर मिल रहा है कि शायद हमारी जो वकला तंजीमें हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी की हामी है। जो बात इस वक्त की गई, अब ये पहले भी ये फील होता रहा है कि कुछ कुवतों की या कुछ लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगे, तो आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क की दो बड़ी वकला तंजीमों का यहाँ बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट देना, इससे कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में तो नहीं पड़ रही? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अनड्यू और अन कॉल्ड फॉर और बेसलेस एक्यूजेशंस लगाने में बहुत फर्क है। आप जरा पिछले 3 दिन की जो सोशल मीडिया पे जो कुछ वायरल हुआ हुआ है, तस्वीर, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम हैं जिनकी कम अज़ कम कोई ऑथेंटिसिटी तो हमें को बताए ना। फलानी मीटिंग हुई थी, उसमें ये मुतालबा किया गया था, उसका आई मीन देर हैज़ टू बी सम बेसिस फॉर ए स्टेटमेंट बीइंग मेड इन पब्लिक। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो शुत्र बेमुहार तो नहीं है, उसको किसी न किसी दायरा कार में तो रहना है। और इल्ज़ाम लगाने वालों से कम अज़ कम ये पूछा जाना कि आपके जो इल्ज़ाम है इतना आउटरेजस है, कोई आपके पास इसका सबूत है? आप मीटिंग्स का कहा जा रहा है जी, फलानी मीटिंग हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसकी कोई बेसिस तो है नहीं। सिर्फ मासूम अवाम को गुमराह करने के लिए तो आप जो मर्जी कहते रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल होना है, आईन इसकी जो है सेफ गार्ड करता है, लेकिन इट हैज़ टू बी विद इन द लिमिट्स। लेकिन गालियों की इजाज़त नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या ये एक हसीन इत्तेफाक है कि चीफ जस्टिस और बार की तंजीमें और इस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पे है बल्ले के निशान के हवाले से? ये ऐसी बात नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलाई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आती है तो वो एक फाइनल जजमेंट होती है। हम कोर्ट्स को हम भी एतराज़ कर सकते थे अगर उसमें कोई लिक्यू ना होता, या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल बात होती, या किसी को लीगली या इलीगली डिप्राइव किया गया हो, तो आप जजमेंट पढ़ लें। आपको एक एक लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा महसूस होगा। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है या नहीं है मौजूदा अमल में, आपके क्या पोजीशन? हमारे ये आप ये बतीउल्लाह जान साहब, आप बेसलेस बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप किस एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारे ऊपर कौन सी एस्टेब्लिशमेंट का असर है बताएं आप? आप नाम बताएं। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें आप। नहीं, आपने ये कहा, आपने आपके अल्फाज ठीक नहीं है ना भाई, आपने ऐसे ना कहा है बारे एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे है। आप कभी सवाल करते हैं और फिर कहते हैं मैंने आपका तो नहीं कहा। नहीं, और मुझे ये अफसोस है, बड़ा पढ़ा लिखा माशाल्लाह मतीउल्लाह जान जैसे तजर्बाकार साफी बैठे हुए हैं, काश के जजमेंट के हवाले से, जजमेंट के अंदर से कोई ऐसी बात निकालते कि ये गलत उन्होंने लिखा है, तो हम आपके हम आवाज़ हो के कहते कि मतीउल्लाह जान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काइंडली आज एक सेशन और कर लेते हैं आपसे, लेकिन आप जजमेंट पढ़ लें, उसके बाद उसके बाद आप मेरे साथ बात करें। अगर उसमें ये हुआ कि जी ये 3 मेंबर बेंच ने ये गलत बात लिखी है, मैं आपके साथ हम आवाज होके बात करूंगा। ये आपको बारे नहीं है, क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हम जमहूरियत पे एतमाद करते हैं और जमहूरी तौर पे इलेक्शन होंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह नहीं इस तरह कैसे हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी है, प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन की इमादगी से डेट दी है, तो उस पर अब इलेक्शन होते जा रहे हैं। शुक्र साहब, आपको भी नहीं पता सर ये एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हो रही है किस तरह, जरा मुझे क्लेरिफाई कीजिए ना। ये जो मौजूदा अमल है पीटीआई वाले आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, चले ये बताएं, फिर हम उनसे भी बात कर लेते हैं। खुद कर दी थी, उसी के तनाजुर में बता दे, क्या फौज मुदाखलत कर रही है सियासी अमल में या नहीं? सियासी अमल में किस हवाले से, जरा बताए ना कौन से अमल से? जितना इंतखाबी अमल हो रहा है आपके ख्याल में फौज का इसमें कोई मुदाखलत है या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, फौज की मुदाखलत कब नहीं हुई,
امپیچمنٹ کی مداخلت کب نہیں ہوئی؟ 2018 میں بھی ہوئی، 2013 میں بھی ہوئی، اور 1971 میں بھی ہوئی، ہر دور میں ہوتی ہے، اور ہر دور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ارسپیکٹو آف اینی پرسن خود سپردگی کے عالم میں ہیں. کل ہی جو لیٹسٹ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا پچھلے 18 مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. کون؟ وہی اسٹیبلشمنٹ جس کا نام آپ لے رہے ہیں، جس کا نام سب لے رہے ہیں، وہی ہم بھی لے رہے ہیں، وہی نام لیے نا. سو اس لیے آج ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آج اگر اسٹیبلشمنٹ جناب عمران خان نیازی صاحب کو کہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، کیا وہ اسی تنخواہ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں. اور میری بات سنیں، ظلم یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے تو 176 ووٹوں سے بنتا ہے، اور جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 342 کے 342 کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم اس پہ حق میں. کمال کرتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی خود سپردگی کے عالم میں بیٹھی ہے کہ ہم حاضر ہیں آپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے. آپ کمال کرتے ہیں، ہم تو آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تکریم، سپریم کورٹ کے ججز کی تکریم ہمارا فرض ہے. ان الفاظ کا چناؤ اتنا مناسب کیا جائے کہ کم از کم ادارے کی توہین نہ ہو، یہ ہے. اور ہم نے جو اداروں کا کہا ہے وہ پی ٹی اے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، وہ روکیں. باقی فریڈم آف ایکسپریشن، شاید سب سے زیادہ حامی ہم ہیں کہ ہم نے ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کیا.